मैं निकिता वागदे स्टार एपिक्स न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज का स्टार का वार। एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बुट्टीबोरी वासियों को रोजाना मिलेगा 25 लाख लीटर फिल्टर पानी। महिला ने नौकरी के नाम सैकड़ों महिलाओं को दिया झांसा। अब समाचार विस्तार से। बुट्टीबोरी नगर में पीने के दूषित पानी से कई वर्षों से जूझ रहे बुट्टीबोरी वासियों को अब नगर परिषद MIDC से फिल्टर पानी लेकर करीबन रोजाना 25 लाख लीटर फिल्टर पीने का पानी बुट्टीबोरी वासियों को देगी। 19 सितंबर को फिल्टर पानी के मीटर का उद्घाटन किया गया। फिल्टर प्लांट का मीटर MIDC के पोस्ट ऑफिस के पास लगाया जाएगा और अब कई वर्षों की गंभीर समस्या दूषित पानी की दूर होगी, जिसका इंतजार बुट्टीबोरी वासी कई वर्षों से कर रहे थे एवं बुट्टीबोरी के सभी नए नल कनेक्शन में अब कुछ ही दिनों बाद फिल्टर पानी आना शुरू हो जाएगा। उद्घाटन के समय नगर अध्यक्ष बबलू गौतम, आकाश वानखेड़े समेत अन्य भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामटेक के शहर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कई महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर पैसा हड़प करने का मामला दर्ज हो रहा है। इस प्रकरण की मुखिया वंदना रमेश संगोले 30 वर्ष रहनार मंसर। यह महिला ने रामटेक तहसील के महिलाओं से प्रत्येक की 200 रुपए जमा किए। 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया। उन्हें बताया कि हर महिला को 200 रुपए प्रतिदिन कामठीन या नागपुर के अनाज गोडाउन में अनाज चुनने का काम मिलेगा। उन्हें हर दिन सुबह 9 से 3 बजे तक का काम और 3 जोड़ी साड़ी और 2 जोड़ी बूट और नकदी पैसे मिलने का लालच दिया। रामटेक तहसील के करीब 200 महिलाओं से प्रति महिला 200 रुपए वसूल करने की जानकारी है। सोमवार 23 सितंबर को रामटेक के 8 से 10 महिलाओं को वंदना संगोले ने कंपनी दिखाने के बहाने नागपुर ले गई, परंतु उन्हें कोई भी कंपनी नहीं दिखाई और वापस रामटेक लाया। पीड़ित महिला को वंदना पर शक आने पर उसे शाम 6 बजे पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन में महिलाओं की भारी भीड़ जमा हुई। थानेदार दिलीप ठाकुर के मार्गदर्शन पर वंदना पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने का काम चल रहा था। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए स्टार एपिक्स न्यूज़ स्टार का वार।